Konnichiwa. Yo yo yo, anime lovers. This is a theory video. वैसे तो इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए What Happened in Reverie, लेकिन मैं टाइटल यूज कर रहा हूँ What Happened to Sabo. क्यों? ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों. लेकिन दैट डजेंट मीन कि मैं सापों को क्या हुआ ये चीज़ इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा. सब कवर करूँगा मैं. बहुत टाइम में मैं जब किसी वीडियो का हाइप बनाता है वो हाइप का रिजल्ट एक गोबर निकलता है. लेकिन इस वीडियो के हाइप को गू के बदले सोना में चेंज करने का गूदा है मेरे में और मेरे इस थ्योरी में. इसे थ्योरी में तो मैं बताऊंगा, ये मैंने खुद से पूरा सोचा है. हाँ जी, ये एक ओरिजिनल थ्योरी वीडियो है मेरे खुद का. और अगर तुमने एनिमे को एपिसोड 960 तक देखा है तो बिना स्पॉयलर के दिक्कत के तुम इस वीडियो को देख सकते हो. अरे इस वीक चैप्टर नहीं आ रहा ना, तो काम करता हूँ, इसी वीडियो में मैं बिलीबिली का प्रमोशन करता हूँ. गाइस, बिलीबिली इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल कॉमिक्स अवेलेबल है एंड तुम उनको फ्री में रीड कर सकते हो. इस वेबसाइट में बहुत सारे जॉनरास है एंड बहुत वेराइटी ऑफ कॉमिक्स मिल जाएगा तुमको. डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. ज़रूर से ज़रूर बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद. एंड वीडियो तो बहाना है, सेक्सी इंट्रो जो तुम्हें सुनाना है, ये लो इंट्रो, लेट्स बिगिन. गाइज, ये हाइप्ड थ्योरी को बताने से पहले मैं तुमको ये बताना चाहेगा कि क्यों इस वीडियो को लाने में मेरे को इतना टाइम लगा. आई मीन लॉन्डे मेरे को 2-3 महीने से इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि व्हाट हैपेंड इन रेवरी एंड व्हाट हैपेंड टू साबो पे वीडियो लाओ, तो मैं इतना लेट क्यों लाया. इसका पहला रीज़न तो ऑब्वियसली है कि मेरे को कोई बहुत हटके थ्योरी दिमाग में नहीं आ रहा था, अभी आया तो मैं अभी वीडियो बना रहा. और एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैंने एक्चुअली में अप्रैल में के टाइम पे व्हाट हैपेंड टू साबो पे थ्योरी वीडियो लाया था, बट बहुत कम व्यूज़ की वजह से उसको मैंने डिलीट कर दिया था. वो थ्योरी बहुत कोई मस्त थ्योरी नहीं था. इट वॉज समथिंग लाइक कोबरा जो कि है वीवी का बाप, उसको साबो ने किसी में मार दिया एंड अब साबो का एग्जीक्यूशन होने वाला है. एकदम सस्ती सी थ्योरी थी, बट अभी वाला थ्योरी इज़ वे डिफरेंट दैन दैट थ्योरी. इसको सुन के तुम शायद ये भी बोल दो कि बहनचोद ये मैंने क्यों नहीं सोचा. बाय द वे तुम्हें पता है मैं सबसे सेक्सी क्या करता है? तुम लोगों का टाइम वेस्ट. क्या आंट स्टोरी सुना के बस वॉच टाइम सिक्योर कर लिया मैं लमाओ. लेकिन अब एक्चुअली मैं तुमको मेरी थ्योरी सुनाता है बिना टाइम वेस्ट किए. एक्चुअली में जो मैंने अभी तुमको पूरा बताया ना, दिस वॉज नॉट अ टाइम वेस्ट. एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है इस टॉपिक के थ्योरीज़ का, मतलब इस टॉपिक पे जो थ्योरीज बनती है उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ कि कोबरा एके अलाबास्ता किंग का डेथ हुआ है या फिर वीवी को कुछ हुआ है. बेसिकली सबके हिसाब से इन दोनों के साथ कुछ गलत हुआ है. इसके पीछे का मेन रीज़न है अ पर्टिकुलर सीन जहाँ पे अलाबास्ता के लोग न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और फिर उन लोगों के आँखों से आंसू गिरने लगते हैं. रंडी रोने नहीं, सच्ची वाले रोने लगते हैं वो. दैट मस्ट मीन समथिंग हैपेंड टू कोबरा और वीवी, राइट? रॉन्ग. ज़रूरी नहीं है. वाई द फक सब लोग कोबरा या फिर वीवी को ही अपने थ्योरीज में मार देते हैं बे. एक्चुअली द रीज़न इज मॉर्गन. उसने बोल रखा है कि किसी का तो डेथ हुआ है और अलाबास्ता के लोग भी रोते हुए दिखे न्यूज़पेपर को रीड करने के बाद. इसका मतलब ये हुआ ना कि वीवी या कोबरा दोनों में से कोई मर गया है. वीवी जवान है तो मे बी वो जिंदा होगी, क्या पता वही मर गई होगी सिंस ईमू उसके पिक्चर को देख रहा था या देख रही थी. लेकिन मोस्ट लाइकली कोबरा ही मरा होगा, बुढ़ा भी है और गोरों से भी बोल रहे थे कि कोबरा दिक्कत है ऐसा वैसा. मुन्ना, वॉट इफ वीवी या कोबरा का नहीं बल्कि म्योसगार्ड का डेथ हुआ हो? एक मिनट, ये कौन चूतिया है? ये वही लौंडा है जो पहले ब्लाउसड़ी वाला था बट बाद में भरोसे वाला बन गया था. वो ग्रीन बाल वाला सिलेस्टियल ड्रैगन जो शिराहोशी को टट्टे सिलेस्टियल ड्रैगन से बचाया था, याद आया? हाँ, वो. वॉट इफ वो मरा हो? वेट अ सेकेंड, इवन इफ वो अच्छा सिलेस्टियल ड्रैगन मरा हो, उससे अलाबास्ता का क्या और साबो को क्या हुआ है उससे कैसे पता चलेगा? इफ़ यू रिमेंबर, ये जो म्योसगार्ड है ये लॉन्डर रेवरी के स्टार्टिंग में ही चूतिए सेलेस्टियल ड्रैगन को भर दिया था एंड ही वॉज लाइक उसने माफ़ी मांगा था एंड बिकॉज ही इज़ अ सेलेस्टियल ड्रैगन कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया था उसका. लेकिन डू यू रियली थिंक ईमू एंड गोरोसिस इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? ये बंदा कितने सालों से स्लेव्स नहीं बनाया था एंड इतने सालों से आई एम श्योर इसने स्लेव्स ही बनाने के अलावा भी ऐसे कुछ हरकतें किए होंगे जो कि ईमू एंड गोरोसिस की आइडियोलॉजी को फकअप करती है. तो किसी पॉइंट पे जाके गोरोसिस एंड ईमू को एक्चुअली इस अच्छे सेलेस्टियल ड्रैगन को रस्ते से हटाना होगा ही. सो मे बी वर्ल्ड गवर्नमेंट डिड इट इन रेवरी. लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली नहीं कर सकती, वरना म्योसगार्ड तो हीरो बन जाएगा ना. आई मीन खुद सोचो, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मार दिया क्योंकि वो अच्छे से सबको ट्रीट करता था. लमाओ शहीद बोलना चालू कर देंगे उसको सिटीजन्स. दिस इज समथिंग जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद से तो नहीं कर सकता, बट हाउ अबाउट किसी और से करवाया जाए? तो क्या लगता है किसने मारा होगा इस अच्छे वाले सेलेस्टियल ड्रैगन को? लगाओ दिमाग. क्या साबो वाला दिमाग पे? हटा दो उसको अगर आ रहा है तो. क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, और आई शुड से अकॉर्डिंग टू मी,
जिसने म्योसगट को मारा वो था, एक्चुअली थी जेवलरी बॉनी। क्या बॉनी? वो क्यों मारेगी और वो कैसे आ गई बीच में? चूतिया के लव? नहीं मुन्ना, मतलब चूतिया तो मैं है, तुम भी हो, पूरा दुनिया चूतिया, लेकिन देर इज़ अ रीज़न कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा कि बॉनी ने एक्चुअली मारा है इस अच्छे सेलेस्टियल ड्रैगन को। कभी सोचा है कि बॉनी क्या है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए? शी इज़ समवन इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट। ब्लैकबेट उसको एक्सचेंज करके वॉरशिप लेने का सोच रहा था। ऑल्सो अकाइनू सबसे रूथलेस एडमिरल भी उसको मारा नहीं, एक वर्स्ट जनरेशन के पायरेट को। क्यों? देयर मस्ट बी अ रीज़न राइट? नाउ इट कैन बी लाइक बॉनी इज़ अ पायरेट जो कि एक्चुअली वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए मजबूरी में काम कर रही है, और बॉनी किसी हायर अथॉरिटी की बेटी है जो पायरेट तो बन गई है बट अब मजबूरी में काम कर रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। इस पर मैं कभी और थ्योरी लाएगा। वी डोंट नो बॉनी का कनेक्शन विद वर्ल्ड गवर्नमेंट, लेकिन वी डो नो कि वो मैरी जॉयस में इन्वेट की थी जस्ट फॉर कुमा। वो किसी वे में कुमा से कनेक्टेड है एंड वो कुमा से प्यार करती है, नॉट कपल वाला प्यार बट शायद से वो कुमा को अपने पापा जैसे समझती है, यू नो। एट द एंड वी डो नो कि बॉनी का कुमा के साथ इतना तो बॉन्ड है कि उसको मैरी जॉयस से निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, एंड मोस्ट लाइकली वो मैरी जॉयस में घुसी कुमा को ही बचाने के लिए। बट कुमा को वो बचा नहीं सकते अपने से। क्यों? क्योंकि कुमा ब्रेन वॉश हो चुका है। अगर वो उसे अपने साथ ले जाना चाहेगी तो भी कुमा नहीं जाएगा। एंड जो एक और शिट चीज़ हो चुका है जो कि हम सबको पता है, दैट इज़ वारलॉर्ड सिस्टम एबॉलिश हुआ है। और सरप्राइजिंगली कुमा के स्लेव बनने के बाद भी वो एक वारलॉर्ड था। खुद चार्लोस लवड़े ने बोला था कि एक वारलॉर्ड को स्लेव बनाने में अच्छा लगता है ऐसा वैसा। वो एक्स वारलॉर्ड बोल सकता था लेकिन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कुमा उस टाइम पे भी एक वारलॉर्ड था। बट तुम बताओ वारलॉर्ड सिस्टम हटने के बाद क्या होगा? कुमा वारलॉर्ड नहीं रहेगा राइट? और उसका मतलब क्या होगा? कुमा वापस से एक नॉर्मी पायरेट बन जाएगा जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट जब चाहे मार सकती है या फिर बंदी बना के रख सकती है। एंड बंदी मतलब कैद करके, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड या फिर कैबेज वाला बंदी नहीं। इतने गंदे जोक्स। बॉनी कुमा को बचा नहीं सकती। कुमा हमेशा के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का नौकर या फिर बोले तो गुलाम बनने वाला होता है। लेकिन तभी बॉनी को एक ऑफर आता है, किल म्योसगार्ड एंड विल फ्री कुमा। यहाँ पे एक सवाल आता है 1 करोड़ रुपए के लिए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि बॉनी मैरी जॉयस में घुसी है या फिर वो एग्जैक्टली मैरी जॉयस में कहाँ है, कैसा पता चलेगा? सिंपल आंसर, बॉनी मोस्ट लाइकली खुद ही पकड़ा गई होगी। आफ्टरऑल उसे प्री टाइम स्किप वाला ब्लैकबेट भी वीक समझता था। या फिर जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट्स पॉसिबल कि बॉनी का कनेक्शन है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, तो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट ही खुद से बॉनी को बोला कि सीक्रेटली मैरी जॉयस इन्वेट करना, म्योसगार्ड को मारना और भग जाना, और फिर हम लोग कुमा को फ्री कर देंगे। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा हुआ? बस म्योसगार्ड मर गया, इसको मारने के लिए इतने रणडीरों ने? नहीं मुन्ना, इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत फ़ायदे उठा सकती है। कैसे? बताता है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट इससे किसी और को फ्रेम कर सकती है एंड ब्लैकमेल भी कर सकती है। लेट मी एक्सप्लेन। एक सेलेस्टियल ड्रैगन को अगर कोई थोड़ा सा भी हर्ट कर देता है तो एक एडमिरल आ जाता है उसके रेस्क्यू के लिए। सोचो अगर कोई एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने के लिए फंस गया तो फिर तो भूंद मरा लेगा ना अपना। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने ही इलाके में है भाई, दे कैन फ्रेम एनी वन फॉर दैट क्राइम। और सिंस उन लोगों ने डायरेक्टली अपना हाथ गंदा नहीं किया है क्राइम में, कोई उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। तो क्या लगता है किसको फ्रेम किया होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट ने? रुको, पहले ये सुन लो कि अकॉर्डिंग टू मी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने प्लान किसी और को फ्रेम करने का किया था, बट किया किसी और को। प्लान था कोबरा या फिर वीवी को फ्रेम करने का। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी मर्डरर साबित हो गए तो फिर तो अलाबास्ता को डायरेक्टली रूल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अलाबास्ता कैन एक्चुअली लीड टू प्लूटोन, लमाओ, आफ्टरऑल ये सब एक एंशंट वेपन के लिए है। और याद है ना कि इमू भी वीवी के फोटो को देख रहा था एकदम, या देख रही थी, जो भी है, मे बी दैट वॉज बिकॉज ही और शी वॉज प्लानिंग टू फ्रेम वीवी। बट जैसे मैंने बोला, मेरे इस थ्योरी के हिसाब से प्लान किसी और को फ्रेम करने का था बट किया किसी और को। नाउ क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपने प्लान के मुताबिक कोबरा या फिर वीवी को फ्रेम नहीं किया? आंसर इज साबो। साबो अनएक्सपेक्टेडली मैरी जॉयस में अपीयर किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड हुआ कि क्यों ना अगर साबो को यहाँ पे म्योसगार्ड के मर्डर में फ्रेम कर दे तो फिर तो नॉट ओनली म्योसगार्ड मर जाएगा बट रिवोल्यूशनरी भी इस चीज़ से गंदा इफेक्ट होगा। कैसे? इमेजिन न्यूज़ आता है कि वर्ल्ड को चेंज करने वाले रिवोल्यूशनरी के चीफ ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मार ही दिया, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत अच्छा था जिसने एक्चुअली में शीरा होशी को दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन से बचाया था। एंड ये न्यूज़ रिवोल्यूशनरी के आइडियोलॉजी को टारगेट करने में हेल्प कर सकता है। और जो मैंने बोला ना अच्छा सेलेस्टियल ड्रैगन वाला पार्ट, ये मुझे लगता है मॉर्गन ही ऐड किया होगा ताकि न्यूज़ और चटपटा लगे। एंड शायद इसी एक्स्ट्रा न्यूज़ के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने CP9 के मेंबर को भेज दिया था मॉर्गन के पास न्यूज़ चेंज करवाने, जिसको मॉर्गन ने भर दिया था। और मे बी दिस वॉज ऑल ईमूज प्लान कि अच्छा सेलेस्टियल ड्रैगन साबो के हाथों से मर गया, ये चीज़ का न्यूज़ रेवोस की गेंद फाड़ देगा, एंड मे बी दैट्स वॉट ही शी एम्ड फॉर,
कि रेवोस की गेंद फट जाए। ऑल्सो ये सब जो पूरा कांड है ना, ये पूरा फ्रेमिंग वाला सीन एंड म्योसगार्ड का डेथ, ये सब हुआ है रेवरी के खत्म होने के बाद। क्योंकि गार्प ने खुद बोला था नेपच्यून को कि आपके जाने के बाद, रेवरी खत्म होने के बाद एक इंसिडेंट हुआ है। एंड तुमको याद है कि चैप्टर 925 में ब्लैकबेर्ड न्यूज़ पढ़ के बोला था कि साबो कुमा को बचाने के लिए फुजीतोरो और रियोकोगु, मतलब दो एडमिरल से क्लैश किया। लेकिन फिर चैप्टर 956 में मॉर्गन के थ्रू पता चलता है कि कोई मरा है एंड साबो को कुछ हुआ है। तो व्हाट आई थिंक इस साबो कुमा को बचाने के लिए एक्शन लिया, लेकिन क्योंकि कुमा ब्रेन वॉश्ड है, साबो उसको बचा नहीं पाया। एंड इस चक्कर में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल गया कि साबो वहाँ पे आया है। एंड एज ब्लैकबेर्ड सेड, साबो ने रियोकोगु और फुजीतोरो के साथ क्लैश किया, बेसिकली फाइट किया। और क्या लगता है, क्या साबो दो एडवर्स को एक साथ अकेले हरा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साबो वहाँ पे हार गए इन दोनों से एंड उसको कैप्चर करके एक टाइम पास से वहीं कहीं के किसी प्रिजन में बंद कर दिया गया। क्यों? ताकि जब ज़रूरत पड़े साबो वहाँ से भाग पाए। साबो के भागने से क्या होगा, बताता है ना। फिर वारलॉर्ड सिस्टम एबॉलिश हुआ, रेवरी खत्म हुआ, कुमा एक परमानेंट स्लेव बन गया। बॉनी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नाउ इज द टाइम, म्योसगार्ड को मार और कुमा को ले जा। बॉनी ने म्योसगार्ड को मार दिया। नाउ सिंस साबो को एक टाइम पास से प्रिजन में बंद कर दिया गया था, वो वहाँ से भाग गया विद द हेल्प ऑफ कारासु और वो मिंक एंड दैट जाइंट। बट हु न्यू कि यही तो वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहता था। साबो को फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने समवॉट किसी वे में म्योसगार्ड की डेथ में फ्रेम कर दिया। कैसे? मे बी म्योसगार्ड इंजर्ड कहीं पे फेंका पड़ा होगा एंड साबो उसको बचाने के लिए उसके पास गया होगा, तभी म्योसगार्ड मर गया। एंड उसी टाइम वर्ल्ड गवर्नमेंट के आदमी लोग, एडमिरल्स, रिपोर्टर्स, सबके सब म्योसगार्ड को साबो के पास मरा पड़ा विटनेस किए, विच लेड टू थिंक दैट साबो किल्ड दैट सेलेस्टियल ड्रैगन। अब इट्स पॉसिबल कि साबो ट्राई किया वहाँ से भागने का एंड उसने गलती से किसी को मारने का भी कोशिश किया, बट एडमिरल्स ने फिर से उसको हरा दिया अलॉन्ग विथ उसके तीनों साथी, कारासु, वो मिंक और वो जाइंट। एंड दिस इज द इंसिडेंट जिसकी बात मॉर्गन कर रहा था। किसी का डेथ हुआ है, असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है एंड खुद सोचो, फ्रंट पेज में न्यूज़ आएगा कि रेवो के चीफ ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मार दिया और भगते टाइम किसी और को असैसिनेट करने का कोशिश भी किया। वो फुल टीआरपी बाजी। एंड अबाउट साबो को क्या हुआ, आंसर इज सिंपल। जब लूफी के एक पंच मारने की वजह से किजारू आ गया था सबको मारने, तब यहाँ पे तो एक सेलेस्टियल ड्रैगन मर ही गया है। ऑब्वियसली साबो और उसके साथ जो थे उनको इम्पेल टाउन के लेवल 6 में बंदी बना लिया गया है फॉर अ फॉल्स क्राइम, जो कि पूरी दुनिया को लगता है कि उन्होंने किया है, बट उनको पता है कि ये सब वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही साजिश है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शायद से, मतलब सच बताऊं तो अगर ये थ्योरी सही होता है तो मोस्ट लाइकली इनका एग्जीक्यूशन का अनाउंसमेंट भी हुआ है, जिसको देख के ददान माकिनो लोग रो दे रहे थे। रेवो शॉक थी बिकॉज दे कांट बिलीव कि साबो ने ना ही सिर्फ एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा है, जो कि अच्छा था, बल्कि वो एग्जीक्यूट होने वाला भी है। और सिंस साबो के साथ वाले भी उसी के साथ हैं, उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही रेवो कन्फर्म करने के लिए कि क्या हुआ है। एंड अबाउट कि क्यों अलाबासा के लोग न्यूज़पेपर को देख के रो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने फिर कोबरा को थ्रेटन किया कि मुन्ना अगर अलावास्ता नहीं दिया अपने को तो वीवी को भी किसी वे में फंसा देंगे साबो के साथ, उसको साबो के सबॉर्डिनेट के रूप में फ्रेम कर देंगे। अब बिकॉज कोबरा इज़ अ गुड फादर, अपनी बेटी के लिए उसने किंग का पोजीशन छोड़ दिया, जिसकी वजह से अभी अलाबास्ता को वर्ल्ड गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने अंडर ले लिया है। एंड अलाबास्ता के लोगों को पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या क्या हरकतें किया है दुनिया में, तो दे आर सैड कि अब उन पे कोबरा जैसे महान राजा रूल नहीं करेगा, बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद रूल करेगा और अब उनका फुल एक्सप्लॉयटेशन बाजी होगा। एंड थ्रू दिस इवेंट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्या क्या फ़ायदा हुआ? पहला फ़ायदा कि उनको अलाबास्ता मिल गया और अब वो किसी वे में प्लूटोन को पा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, गोरोसे स्टार्टिंग से नेफतरारी फैमिली को ट्रेटर समझते थे, अब उनको भी मस्त डरा के रख सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, म्योसगार्ड मर गया। चौथा फ़ायदा, साबो ये सब के लिए फ्रेम हो गया और रेवो का इमेज को भी इस चीज़ से बहुत गंदे से इम्पैक्ट पड़ा। पाँचवा फ़ायदा, साबो को कैद कर लिया गया है एंड वो इम्पेल टाउन में है और वो एग्जीक्यूट होने वाला है। और हाँ, ब्लैकबेर्ड ने चैप्टर 956 में बोला था कि मरीन से पहले हम लोग को वो चीज़ ले लेने का है। आई थिंक ही इज़ टॉकिंग अबाउट अलाबास्ता, क्योंकि उसको भी प्लूटोन मांगता है ना अगर उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराने का है। ऑल्सो याद है ना कि गार्प बोल रहा था कि नेपच्यून से कि प्लीज़ अभी वाले इवेंट्स की वजह से इंसानों से डरना मत। मे बी ही सेड दिस बिकॉज ही नोज कि साबो ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसको फ्रेम किया गया है। थ्योरी यहीं पे ख़त्म होता है। साबो अभी इम्पेल टाउन में क्योंकि उसको फ्रेम किया गया म्योसगार्ड के डेथ के लिए, जिसको मारा है बॉनी ने फॉर कुमास फ्रीडम, जिसको ऑर्डर दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ही इसकी हेल्प से कोबरा को भी धमकाया, और अभी अलाबास्ता वर्ल्ड गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल में है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग ये सुन के रो रहे थे। इंग्लिश डायलॉग बोलने का टाइम आ गया है। दस दिस कंक्लूड्स दिस थ्योरी। बट वेट, वॉट इफ मैं ये बोलूँ कि साबो इम्पेल टाउन से कैसे भागेगा, उसका भी मेरे पास एक थ्योरी है।
इफ़ ये पूरा थ्योरी सच होता है तो साबो का इम्पेल टाउन से भागना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि साबो भी एग्जीक्यूट होगा, लूफी बचाने आएगा, रिपीटेटिव हो जाएगा साला। तो साबो इस थ्योरी के हिसाब से अभी का है लेवल 6 इम्पेल टाउन के, और लेवल 5.5 में अभी के टाइम पे कौन है? बॉनचान। यस, और बॉनचान से पहले वहाँ पे कौन था क्वीन? इवांकोव। और इवांकोव अभी कहाँ पे? ड्रैगन के साथ। तो मे बी इवांकोव बॉनचान के थ्रू पता लगाने की कोशिश करेगा कि साबो के साथ क्या सीन हुआ है, कैसे। क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ के क्वीर्स के साथ इवांकोव का अभी भी कॉन्टैक्ट है, एंड शायद से वो क्वीर्स एंड बॉनचान साबो एंड उसके साथियों को वहाँ से भगाएंगे, क्योंकि यू नो साबो इज लूफीज ब्रदर एंड लूफी के भाई के लिए बॉनचान कुछ भी कर लेगा। बाय द वे लव यू बॉनचान। एंड जिसको नहीं पता था, बॉनचान इज अलाइव और वो अभी इम्पेल टाउन के लेवल 5.5 का क्वीन है। एक कवर पेज में ओडा ने उस पर्टिकुलर सीन को ड्रॉ किया था एंड दैट वॉज अ कैनन सीन एंड दैट वॉज आफ्टर टाइम स्किप। तो येस, दिस वे साबो एक्चुअली में वहाँ से भाग सकता है एंड फिर लूफी को भी साबो को बचाने के लिए नहीं आना होगा अगर वो खुद ही से वहाँ से भाग जाए तो, और लूफी फिर एलबेफ जा सकते हैं जैसे मैंने ओनिगाश में एंड वाले थ्योरी वीडियो में बोला था। नहीं देखा तो उसको देख लेना। वेट, मैंने उस थ्योरी को इस थ्योरी से कनेक्ट कर दिया क्या? लमाओ, नाइस। और अब तो फाइनली बोल ही देता हूँ, दस दिस कंक्लूड्स माय वीडियो। सो गाइस एंड ग्रिल्स, कैसा लगा थ्योरी? बड़ा थ्योरी था ना। आई होप तुमको थ्योरी एज वेल एज वीडियो पसंद आया होगा। क्या बोलते हो, कैन वी हिट 2K आफ्टर दिस वीडियो? उसके लिए खानदानी परंपरा करना होगा, सब्सक्राइब, बेल आइकन। थ्योरी वीडियो कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स। आजकल नहीं होते क्योंकि चैनल का रीच कम हुआ है, बट लेट्स सी 500 लाइक्स होता है कि नहीं। बिली बिली को भी एक बार चेक कर लेना, कमेंट्स में बताओ प्लॉट होल्स एंड स्टफ ऑफ दिस थ्योरी और कैसा लगा वो भी बता देना। और हाँ, एक बार मैं याद दिला देता है कि दिस इज़ ऑल अ थ्योरी, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी, इतना सीरियसली मत लेना। लेकिन आई थिंक इस थ्योरी को तुमने एंजॉय किया है, किया है तो करवा दो यार 500 लाइक्स। और ये थ्योरी मेरे चैनल का 10th थ्योरी है और ये थ्योरी मैंने अपने पूरे 69 IQ वाले दिमाग से बनाया है, तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो बात करने के लिए। डिस्कॉर्ड का भी लिंक है। ये थ्योरी वर्थ लगा है तो शेयर करो इसको वन पीस के इंडियन फैंस के साथ। कभी बोलता नहीं हूँ शेयर करने, बट आज बोल रहा। चैनल में और भी थ्योरीज हैं, उनको भी देख सकते हो। आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई तो थ्योरी पसंद आएगा ही। और हाँ, बस थक गया भैंस, बहुत बहुत बोल बोल के थक गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।